चाहे मुझे सदस्यता मिले ना मिले, मैं अपना काम करूंगा। अगर ये मुझे परमानेंटली डिस्क्वालिफाई कर दें तो भी मैं अपना काम करूंगा। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपी लाइव न्यूज और आज बात कर रहे हैं राष्ट्रपति शासन को लेकर। क्या देश में राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए? अगर देश में राष्ट्रपति शासन लग गया तो फिर क्या माना जाए कि सरकार को 2024 से पहले बड़ा झटका लगेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि देश में राष्ट्रपति शासन लगाने को लेकर जो बात कही जा रही है ना, वो विपक्ष ऐसे नहीं कह रहा, विपक्ष तमाम सबूतों को रख रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से अगर मैं बात करूँ तो जो हालात इस वक्त के हम देख रहे हैं, मैं कुछ वीडियोस भी अपने दर्शकों को दिखाऊंगा जिसमें बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं। विपक्ष ये कह रहा है कि सरकार के बस की बात नहीं है, सरकार हालात नहीं संभाल पा रही। देखिए, जैसे संजय सिंह का अभी मैं बात कर लूँ तो उनको निलंबित कर दिया गया, राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली गई। ये देखा जा रहा है कि सरकार डरी हुई है, और वाकई अगर सरकार डर रही है तो सरकार के डरने का मेन वजह यही है कि मुद्दों पर सरकार बात नहीं कर पा रही है। हालांकि दो वीडियो दिखाता हूँ, देखिए पहले दिखाऊंगा संजय सिंह क्या कुछ कह रहे हैं निलंबित होने के बाद, देखिए एक वीडियो। प्रधानमंत्री जी, कैसे आप खामोश रह सकते हैं? देश के एक हिस्से में बेटियों का बलात्कार हो रहा है, महिलाओं को नंगा करके घुमाया जा रहा है, उनके साथ अश्लीलता की जा रही है, दरिंदगी और हैवानियत की जा रही है, छोटे छोटे बच्चों का कत्ल हो रहा है, लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, बुजुर्गों की, माताओं बहनों की हत्याएं हो रही हैं, और आप चुप हैं, आप खामोश हैं, आपको शर्म नहीं आती, आप सदन में आके जवाब नहीं दे सकते? आप कैसे इतने संवेदनहीन हो सकते हैं प्रधानमंत्री जी? आप पूरी दुनिया की सैर कर रहे हैं, आपको चीता के ऊपर 3 दिन फोटो खिंचवाने की फुर्सत है, आपको रोज रेलवे की झंडी दिखाने की फुर्सत है, आपको मणिपुर पर बोलने की फुर्सत नहीं लेकिन ब्राजील के फुटबॉलर पे ट्वीट करने और बोलने की फुर्सत है, आपको क्रिकेट के खिलाड़ी की उंगली टूट जाए तो उस पर ट्वीट करने और बोलने की फुर्सत है। ये कैसा दोहरा चरित्र है आपका प्रधानमंत्री जी? आप क्या समझते हैं इस देश के लोगों को? क्या मणिपुर के लोग इंसान नहीं है? क्या मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं है? अगर इस प्रकार की दरिंदगी, हैवानियत और हत्या की घटनाएं वहां हो रही हैं तो आप खामोश कैसे रह सकते हैं? और मैंने कौन सा गुनाह कर दिया ये मांग करके कि प्रधानमंत्री को सदन में आके जवाब देना चाहिए, प्रधानमंत्री को सदन में आके बोलना चाहिए? आज दिन भर में 4 बार कपड़े बदलने की फुर्सत आपके पास है, 10 मिनट 20 मिनट आप सदन में आके मणिपुर की हिंसा पे नहीं बोल सकते? एक ऐसा स्टेट जो जल रहा है और आपका मुख्यमंत्री कह रहा है कि ऐसी सैकड़ों घटनाएं हुई हैं यहां पे नंगा करके महिलाओं को घुमाने की, ऐसी घटनाएं आगजनी की और लोगों को मारने की हो रही है, ये मुख्यमंत्री कह रहा है? तो मैं सबसे एक ही अपील करना चाहता हूं, अगर जरा सी भी संवेदना है आपके अंदर, जिस तरह से भी विरोध कर सकते हैं, मणिपुर हिंसा का विरोध कीजिए, मणिपुर की दरिंदगी और हैवानियत का विरोध कीजिए। कारगिल का वो योद्धा, वो रिटायर्ड सूबेदार आपसे सवाल कर रहा है, पूछ रहा है कि मैंने तो भारत माता की रक्षा के लिए कारगिल के युद्ध में हिस्सा लिया, देश की रक्षा कर ली, अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाई। आज आप सबकी जिम्मेदारी है उस कारगिल के योद्धा की पत्नी की आवाज उठाना। देखा आपने, राहुल गांधी की भी प्रतिक्रिया सामने आई जब संसद सदस्यता चली गई थी, और उसके बाद ये कहा जाने ही लग गया कि सरकार केवल विपक्ष को चुन चुनकर निशाना बना रही है और सरकार देश के मुद्दों पर बात नहीं कर रही। विपक्ष को कैसे कमजोर किया जाए उस पर बात करें, राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए एक वीडियो। चाहे मुझे सदस्यता मिले ना मिले, मैं अपना काम करूंगा। अगर ये मुझे परमानेंटली डिस्क्वालिफाई कर दें तो भी मैं अपना काम करूंगा। दोनों वीडियो आपने देखा, और सीधे तौर पर ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि क्या देश में जिस तरीके के हालात हैं, काला तंत्र नजर आ रहा है, लोकतंत्र नहीं काला तंत्र, तानाशाही, अगर यही तानाशाही नीति रही तो आने वाले वक्त में देश के अंदर हालात खराब हो जाएंगे। और मेरा सवाल जनता से है, क्या देश में राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए? क्या लगता है आप लोगों को, कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए जा दीजिए, नमस्कार।